वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, सीए फाइनल आईडीटी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2018 का न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 3, मैं सीएस केके अग्रवाल, आईसीआई एंड एसएसआई टैक्स फैकल्टी, जीएसटी कंसल्टेंट प्लस 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 3 है 10 मार्क्स, ये हमारी जीएसटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक है और ये करीब करीब 700 पेज है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेसिकली ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं। परी लिमिटेड और जोधपुर राजस्थान इज ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। परी लिमिटेड हैज फर्निशेस फॉलोइंग डिटेल्स। रिसीट्स यानी कि ये आउटवर्ड सप्लाई का है, सेल्स इन राजस्थान तो सी प्लस एस, सेल्स इन स्टेट्स अदर देन राजस्थान आई लगेगा, एक्सपोर्ट्स अंडर बॉन्ड यानी कि एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस पर टैक्स नहीं लगेगा तो इस पर 0 हो जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन में यहाँ लिख दिया वैल्यू ऑफ सप्लाई सी प्लस एस, यहाँ आई, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पेमेंट्स, रॉ मेटेरियल्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन राजस्थान, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं और इनफैक्ट इसमें लिखा भी होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सारे एलिजिबल कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, कंप्लाई करता है। तो रॉ मेटेरियल्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड तो सी प्लस एस, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड से क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेज फ्रॉम पंजाब फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर आई का क्रेडिट मिल जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का नहीं है, तो ये 22732 का आई का भी क्रेडिट मिल जाएगा। तो यही हमने लिख दिया, आरडी का मिल गया, अनरजिस्टर्ड का नहीं मिला, पंजाब का आई का मिल गया और आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट इसका भी मिल गया। इसके बाद कंज्यूमेबल्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन राजस्थान इंक्लूडिंग हाई स्पीड डीजल ऑयल एक्साइज एंड वैट पेड वर्थ ₹31250 फॉर रनिंग द मशीनरी इन दी फैक्ट्री। तो ये 31250 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, बाकी का सी प्लस एस का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमने अलग अलग कर दिया, कंज्यूमेबल परचेज ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल उसको माइनस कर दिया, 125000 सी प्लस एस मिल गया। इसके बाद लिख रहा है मंथली रेंट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग टू द ओनर इन राजस्थान, तो ये मंथली रेंट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। और सिर्फ एक ही मैंने कैलकुलेट करना है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 100000 का सी प्लस एस यानी कि 9+9। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रोल, ऑब्वियसली इस पर जीएसटी लगता भी नहीं है क्योंकि इट इज नॉट ए सप्लाई, तो इसको हमने इग्नोर मार दिया। फिर प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, लेकिन एक्सेप्शन है क्लॉज बी 3A में लिखा हुआ है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन और गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो हमने इसका क्रेडिट क्लेम कर लिया, तो 2 लाख का 9% और 9%, तो सी का क्रेडिट, एस का क्रेडिट, आई का क्रेडिट। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट है 20-15-15, जो हमने यहाँ लिख भी लिया, टोटल कर दिया। टैक्स पेबल निकालना था, सी को हमने सी के क्रेडिट के साथ माइनस कर दिया, एस को एस के क्रेडिट के साथ माइनस कर दिया, आई को आई के क्रेडिट के साथ माइनस कर दिया। तो कंप्यूट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नेट जीएसटी पेबल बाय परी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। क्वेश्चन 3 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3B 5 मार्क्स, तो क्वेश्चन 3B 5 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन है क्या, जहां पर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और आईटीसी क्लेम करते हैं, उसके बाद कुछ क्वार्टर तक यूज करने के बाद आप इसको बेचते हैं, तो बेचते वक्त क्या आपको टैक्स देना होता है, बोलता है यस। तो बोला यूज ऑफ आईटीसी आप रिड्यूस कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ 5% एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और जितने रुपए में बेचा उसका टैक्स कैलकुलेट करके विच एवर इज हायर। लेकिन अगर आपने बेचा नहीं है, किसी को डोनेट किया, परमानेंट डिस्पोजल, तब भी यही वाला क्लॉज लग जाएगा। और शेड्यूल 1 में एंट्री नंबर 1 जहां पर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, तो यहां पर वैल्यू दी हुई है बेचने की, तो इसलिए शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1 नहीं लग रहा है। तो एक बार पढ़ते हैं, ऑन 25th अगस्त 2017 मेसर्स अग्रवाल एंड अग्रवाल लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट लोकेटेड इन कर्नाटक परचेज वन मशीन ऑफ 12,39,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। वाह, और जब बेच रहा है तो लिख दिया एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग को, तो ये एग्जाम के प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, गलतियां होती है, मेरे से भी हो सकती है। तो 12,39,000 को हमने बैक कैलकुलेशन करके आईजीएसटी 1,89,000 कैलकुलेट कर लिया, तो डेट डाल दिया ये। फिर मिसेस अग्रवाल एंड अग्रवाल लिमिटेड सोल्ड दिस मशीन आफ्टर यूजिंग द मशीन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर 7,50,000 एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। तो हमने डेट डाल दिया 20 अगस्त 2018 को बेच रहा है, 7,50,000 एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी 1,35,000। ड्यूरिंग द परचेज एज वेल एज सेल ऑफ मशीन द आईजीएसटी रेट एप्लीकेबल वाज 18%, उसी के हिसाब से कैलकुलेट भी किया। इज मिसेस अग्रवाल एंड अग्रवाल लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे आईजीएसटी, इफ यस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर जीएसटी। तो हमने कुछ नहीं किया, 25 अगस्त 2017 यानी कि पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी हम लोग फुल क्वार्टर मान लेंगे, तो 1, 2, 3, 5 क्वार्टर हो रहे हैं,
18 में बेच रहा है, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर, तो टोटल 5 क्वार्टर आईटीसी कितना अवेल किया होगा, 189,000, 5% एवरी क्वार्टर है, तो 5% इंटू 5 इंटू 189,000 इतना आ गया, बैलेंस इतना बचा। अब टैक्स कितना देना, 135 और 141,750 विच एवर इज हायर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3C, ये पहले भी ये ओल्ड सिलेबस में भी पूछा गया था और ये दोबारा से पूछा गया। इसमें एक कहानी और है कि आपको केस लॉ भी कोट करना है। तो द सेटलमेंट कमीशन सेटल्ड ए केस रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक, द कस्टम डिपार्टमेंट कंटेंस दैट द रिकवरी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक डज नॉट इन्वॉल्व लेवाई असेसमेंट कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी एज एनविजेज अंडर सेक्शन 127B, जो केस डिफाइन करता ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। देयरफॉर सेटलमेंट कमीशन डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू सेटल द केस। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, दैट इज दिस, इफ एनी, वेदर द सेटलमेंट कमीशन हैव जुरिसडिक्शन टू सेटल केस रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक एरोनियसली पेड टू द रेवेन्यू। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ड्रॉबैक इंक्लूड्स रिफंड और लेवाई में रिफंड भी आता है। तो यही एक बेसिकली डिसाइडेड केस था। तो थैंक यू सो मच। और CA फाइनल में अब 30% MCQ आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका MCQ प्रैक्टिस करना चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.testpress.in, वहां पर आप CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स पास्ट पेपर सॉल्यूशन जरूर इसमें रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के बाद आपको यहीं पर इसी वेबसाइट में आपको CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का, जिस तरह से हमने ये GST पेड टेस्ट CA और CMA इंटर का लॉन्च किया चैप्टर वाइज, उसी तरह से GST प्रैक्टिशनर का एग्जाम का भी चैप्टर वाइज लॉन्च किया, वैसे ही CA फाइनल का भी लॉन्च करने वाले हैं, आज ही कर देंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक एक चैप्टर का टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका 30% सिक्योर हो जाएगा। और हमने ये MCQ मैंने खुद बनाया है, इसीलिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, एक एक लाइन को देख देख के हमने MCQ बनाया हुआ है, तो जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।